सो गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम विभोरा सागर फ्रॉम स्टेट एक्सपर्ट। तो आज मैं जहाँ खड़ा हूँ वो सेक्टर 57। मैं एक आपको ये प्रॉपर्टी का ओवरव्यू दे देता हूँ। ये MKM मार्केट के पास है, या नियर बाय में स्कूल है, हॉस्पिटल है, और आपको डेली नीड्स के लिए भी कहीं नहीं जाना पड़ता, मार्केट यहीं पास में ही है। अब बिना देरी के इसका ओवरव्यू स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी का। ये 250 स्क्वायर यार्ड्स में बनी हुई है। यहाँ पे 3 BHK प्लस एक हमें स्टडी रूम भी मिल जाता है। और जिस जगह मैं भी खड़ा हूँ, ये हमारी ड्राइंग स्पेस है। अगर मैं हमारे राइट हैंड साइड देखूँ तो यहाँ पे हमें एक वुड का काम मिल जाता है। यहाँ पे हम हमारी सीनरीज रख सकते हैं, फ्लावर वास रख सकते हैं। ये हमें हमारे ड्राइंग रूम को थोड़ा सा सेपरेट कर रहा है। यहाँ पे एक अलग पार्टीशन मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैं नीचे सरफेस की बात करूँ, नीचे हमें सरफेस पे काफ़ी अच्छी क्वालिटी की टाइल्स मिल जाती हैं जो पूरे घर के साथ मैच करती हैं, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मैं पेंट की बात करूँ तो यहाँ पे ऑफ वाइट कलर का पेंट मिल जाता है हमें, जो काफ़ी डिसेंट क्वालिटी का पेंट है। यहाँ पे काफ़ी अच्छी क्वालिटी का पेंट है। और मैं इधर ऊपर सीलिंग की बात करूँ तो सीलिंग पे हमें कलर की डिज़ाइन मिल जाता है। यहाँ पे डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे हमें LED लाइट्स मिल जाती है, स्ट्रिप लाइट्स पे अंदर लगी हुई है। यहाँ पे हम इधर देखें तो हमें AC का कनेक्शन मिल जाता है। यहाँ पे AC हम इन फ्यूचर चाहे तो यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे अच्छा खासा एक सोफा सेट आ जाएगा। अगर हम इधर लेफ्ट हैंड साइड देखिए, मैंने यहाँ पे हमें TV की भी स्पेस दी हुई है। यहाँ पे हमें कनेक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे इसके थ्रू आप अपनी केबल कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी बड़ा TV आ सकता है। अब चलते हैं थोड़ी आगे। यहाँ पे अगर मैं मेरे राइट हैंड साइड देखूँ तो यहाँ पे हमें मंदिर की स्पेस मिल जाती है। काफ़ी अच्छा लग रहा है मंदिर, वाइट कलर करा हुआ है मंदिर पे। नीचे की तरफ देखें, यहाँ पे हमें नीचे स्पेस मिल जाती है हमारा सामान रखने के लिए। यहाँ पे हमें जो स्टोन दिया हुआ है, ये भी स्टोन ब्लैक कलर का दिया हुआ, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का स्टोन है, काफ़ी थिक है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हम इधर वुड की बात करें, वुड का काम हुआ है यहाँ पे, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे अगर हम इसका डिज़ाइन देखें, जो इसके अंदर डिज़ाइन करा हुआ है प्लाईवुड के अंदर, वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है इस मंदिर के लुक में। और ये जो जिस जगह मैं खड़ा हूँ, ये हमारी डाइनिंग स्पेस है। यहाँ पे हमारी डाइनिंग टेबल आएगी। यहाँ पे काफ़ी बड़ी डाइनिंग टेबल आ सकती है, स्पेस काफ़ी अच्छा है। इधर भी हम ऊपर सीलिंग की बात करें, सीलिंग पे हमें अलग डिज़ाइन मिल जाता है। एक हमें यहाँ पे LED लाइट्स मिल जाती है। सीलिंग पे फ़ैन देखिए, फ़ैन ओरिएंट का लगा हुआ है, जो कि काफ़ी एक अच्छी कंपनी है। अब मैं हमारे राइट हैंड साइड देखूँ इधर की तरफ, तो यहाँ पे हमें एक स्टडी रूम मिल जाता है, जिसकी एंट्रेंस पे हमें ये ग्लास का एक डोर मिल जाता है, जो काफ़ी थिक क्वालिटी का ग्लास है, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे देखिए हमें एक टेबल मिल जाती है। यहाँ पे हम एक चेयर डाल के यहाँ पे अपना लैपटॉप रख सकते हैं, यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, या फिर ऑफिस का काम होता है वर्क फ्रॉम होम, यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमें स्पेस मिल जाती है हमारा सामान रखने की। ये इधर सलमाइका लगा हुआ है येलो कलर का, जो ग्लॉस फिनिश में है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इधर हम सीलिंग की बात करें, सीलिंग एकदम अच्छी लग रही है। यहाँ पे जो उसका डिज़ाइन है, वहाँ पे जो स्ट्रिप का डिज़ाइन है सीलिंग के ऊपर, वो अच्छा लग रहा है। हम ऊपर सीलिंग पे देखें, यहाँ पे हमें क्रॉम्पटन कंपनी का फैन मिल जाता है। अब चलते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरफ। फर्स्ट बेडरूम पे जाने से पहले हमें यहाँ पे भी स्पेस मिल जाती है। इधर अभी काम चल रहा है, रेडी टू मूव साइट ही होने वाली है, तो यहाँ पे हमें ग्लास मिलेगा, यहाँ पे ग्लास लगेगा, जो काफ़ी अच्छा लगेगा। जब आप परचेज करेंगे, आपको सारा काम कंप्लीट करके देंगे बिल्डर। यहाँ पे भी हमें स्पेस मिल जाती है, यहाँ पे हम अपने शोपीस वगैरह रख सकते हैं। इसके अंदर हमें काफ़ी स्पेस मिल जाती है, इसके अंदर हम अपना सामान रख सकते हैं। यहाँ पे हमें सलमाइका मिल जाता है, वाइट कलर का, ये ग्रे कलर का, जो कॉम्बिनेशन दोनों का किया हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब चलते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरफ। हम यहाँ पे डोर की क्वालिटी की बात करें, यहाँ पे भी डोर का जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे काफ़ी थिक डोर दे रखा है। यहाँ पे देखिए तो काफ़ी टेक्सचर यहाँ पे इसका अच्छा लग रहा है ब्राउन कलर में। नीचे सरफेस की बात करें, अगेन यहाँ पे जो टाइल लगी हुई है वो काफ़ी अच्छी लग रही है पूरे रूम के साथ। यहाँ सीलिंग की बात करें, सीलिंग पे हमें LED लाइट्स मिल जाती हैं, ओरिएंट कंपनी का फ़ैन मिल जाता है। यहाँ पे अगर हम पेंट की बात करें, पेंट अभी इसकी फाइनल कोटिंग होनी बाकी है। जब आप इसको परचेज़ करेंगे तो आपको एकदम फाइनल फिनिश होके मिलेगा, फिनिशिंग एकदम अच्छी मिलेगी।
हमारे लेफ्ट हैंड साइड देखो तो यहाँ पे हमें स्पेस मिल जाती है, हमें कबर्ड मिल जाते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे सामान आ सकते हैं। यहाँ पे अगर हम इसकी सलमाइका की बात करें तो सलमाइका काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लगाए हुए है, काफ़ी अच्छा लग रहा है पूरे रूम के कॉन्ट्रास्ट के साथ। अगर हम इसी के साथ देखें, हम ये रूम के साथ एक अटैच बालकनी मिल जाती है। हम बालकनी की ब्रेथ की बात करें, ब्रेथ काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे हमारा बैक साइड में वॉशिंग एरिया बन सकता है, यहाँ पे हम अपने वॉशिंग मशीन डाल सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें राइट हैंड साइड पे हमें ड्रेनेज सिस्टम दिया हुआ है, यहाँ से हमारा पानी निकल सकता है। बेसिकली हम इधर अपनी वॉशिंग मशीन रख सकते हैं क्योंकि हमें टैप भी इधर दिया हुआ है। अगर हम ऊपर की तरफ देखें, हमें यहाँ पे गीज़र की फिटिंग मिल जाती है जो जैगुआर कंपनी का, काफ़ी अच्छा गीज़र लगा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे आपको गीज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी फिटेड देते हैं। अगर हम ऊपर सीलिंग की तरफ देखें तो ऊपर सीलिंग पे फोकस लाइट लगी हुई है। अगर आप रात को वॉक करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी अच्छी लाइट लगी हुई है। अब चलते हैं हमारे रूम के अंदर वापस। अगर हम इधर की साइड देखें तो यहाँ पे हमें कंसोल मिल जाता है। यहाँ पे अभी फिनिशिंग होनी बाकी, यहाँ पे सलमाइका लगना बाकी है अभी, तो इधर भी हमें स्पेस मिल जाती है। यहाँ पे आपका टीवी आ सकता है, नीचे आप अपना सामान रख सकते हैं, इसके अंदर हमें स्पेस मिल जाती है। हम इधर बाथरूम की बात करें तो बाथरूम में नीचे की तरफ हमें टाइल मिल जाती है जो काफ़ी टेक्सचर टाइल है, अच्छी लग रही है, क्वालिटी अच्छी है। यहाँ पे मिरर की बात करें, ये हमें मिरर में लाइट मिल जाती है जो वन टैप के साथ ऑन ऑफ हो जाता है। यहाँ पे सैनिटरी फिटिंग्स देखें तो हमें जैगुआर की सैनिटरी फिटिंग्स मिल जाती है। हमें इधर पार्टीशन देखें ग्लास का, तो ग्लास भी काफ़ी हैवी क्वालिटी का लगा हुआ है। ऊपर सीलिंग भी देखें, हमें सीलिंग पे डिज़ाइन मिल जाता है जो एक डिसेंट डिज़ाइन लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर हम वॉल की बात करें, वॉल पे ग्रे कलर की टाइल लगी हुई है, ये पूरे बाथरूम के साथ मैच के लिए जो कलर कॉम्बिनेशन इसका ग्रे और ये ब्लैक का लग रहा है, वो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब चलते हैं हमारे सेकंड बेडरूम की तरफ। सो ये हमारा सेकंड बेडरूम। अगर हम इसमें भी सीलिंग की बात करें तो सीलिंग पर हमें अगेन एक काफ़ी अच्छा डिज़ाइन मिल जाता है। फैन की बात करें, फैन हमें ओरिएंट कंपनी का दिया हुआ है। यहाँ पे अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें, यहाँ पे अभी विद इन अ वीक यहाँ पे कंसोल बनेगा जो काफ़ी अच्छा लगेगा इन फ्यूचर। यहाँ पे आप अपना टीवी लगा सकते हैं, नीचे आप अपनी सामान रख सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। अगर मैं हमारे राइट हैंड साइड देखूँ तो यहाँ पे हमारे बेड रखने की स्पेस है, यहाँ पे आराम से एक सिंगल बेड आ सकता है। और अगर हम हमारे राइट हैंड साइड और देखें तो यहाँ पे बालकनी में अटैच है, ये हमारी बैक साइड से हमें बालकनी कनेक्ट करती है सीधे जाके। और इसी बेडरूम के हम बाथरूम की बात करें तो बाथरूम में भी हमें टाइल मिल जाती है जो थोड़ा ब्राउनिश कलर में, अगेन ये जो इसका कलर कॉम्बिनेशन किया है काफ़ी अच्छा लग रहा है। इधर हमें ग्रे मिल जाता है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे हमें ब्राउन कलर की टाइल मिल जाती है। अगेन हमें मिरर मिल जाता है जो लाइट लगी हुई, इसमें लाइट सेंसर यहाँ पे वन टैप में ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। इधर हम नीचे की तरफ देखें, इधर भी सैनिटरी फिटिंग्स हमें जैगुआर की मिल जाती है। यहाँ पे हमें एक अलग पार्टीशन दिया हुआ, यहाँ पे आप आराम से नहा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इधर। यहाँ पे इधर ग्लास की बात करें, ग्लास काफ़ी अच्छी क्वालिटी का थिक ग्लास है काफ़ी। अगर हम इधर की साइड देखें तो हमें सामान रखने की काफ़ी अच्छी स्पेस मिली हुई है। यहाँ पे अगर हम देखें सलमाइका ग्लॉस फिनिश में आ रहा है जो काफ़ी अच्छा लग रहा है पूरे रूम के साथ। अब चलते हैं हमारे थर्ड बेडरूम की तरफ। तो ये है हमारा थर्ड बेडरूम। अगर हम ऊपर सीलिंग की बात करें, सीलिंग पे हमें काफ़ी अच्छा डिज़ाइन मिल जाता है। यहाँ पे फ़ैन देखिए, ओरिएंट कंपनी का फ़ैन लगा हुआ है। सीलिंग के ऊपर हमें LED लाइट्स मिल जाती है जो अगेन काफ़ी अच्छी लग रही है। हम हमारे राइट हैंड साइड पे देखें तो हमें कंसोल मिल जाता है, यहाँ पे हमारा काफ़ी बड़ा TV आ सकता है। नीचे देखें तो हमें स्पेस मिल जाती है, यहाँ पे हम अपना और भी सामान रख सकते हैं। इस रूम के साथ एक अच्छी बात है, हमें बालकनी का कनेक्शन मिल जाता है। ये बालकनी हमें फ्रंट साइड से हमें कनेक्ट करती है जो हमारे ड्राइंग रूम के साथ भी कनेक्टेड है वाली बालकनी। अगर हम बालकनी की स्पेस की बात करें, स्पेस भी काफ़ी अच्छी दी हुई है। और एक बार हम सराउंडिंग देखें, सराउंडिंग में भी काफ़ी ग्रीनरी है। हमें पास में सामने मार्केट भी मिल जाती है डेली नीड्स के लिए, आपको ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। अब चलते हैं हमारे थर्ड बेडरूम के वॉशरूम की तरफ। जाने से पहले एक बार ये जो हमें डोर दिया हुआ है, यहाँ पे हमें नेट मिल जाता है जो हमें मॉस्किटो से प्रोटेक्ट करेगा। इधर की तरफ देखिए, हमें ग्लास मिल जाता है जो काफ़ी थिक क्वालिटी का ग्लास है।
हमें जस्ट हमारे बाथरूम के सामने स्पेस मिल जाती है, यहाँ पे हम अपना सामान रख सकते हैं। फिर सनमाइका की बात करें, काफ़ी फाइन क्वालिटी का सनमाइका यूज़ किया हुआ है। इसका जो मतलब टेक्सचर है काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके ऊपर हमें एक लाइट भी मिल जाती है जिसमें लाइटिंग की कोई कमी नहीं है। और हम बाथरूम के अंदर की बात करें, बाथरूम के अंदर जो नीचे सरफेस पर टाइल लगी हुई है, ये ब्लैक और ग्रे कलर की टाइल लगी हुई है जो काफ़ी अच्छी लग रही है। वॉल पे ग्रे कलर की टाइल लगी हुई है इधर, जो अगेन ब्लैक एंड ग्रे में काफ़ी अच्छी लग रही है कॉम्बिनेशन में। इधर हम पार्टीशन देखिए, हमें बाथिंग स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है। इधर जैगुआर की सैनिटरी फिटिंग्स हुई है, मतलब क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। इधर जो ये ग्लास है काफ़ी थिक क्वालिटी का है। अगर हम मिरर की बात करें, मिरर में भी हमें लाइट मिल जाती है, वन टैप में ऑन एंड ऑफ हो जाती है। इधर भी सारी फिटिंग जैगुआर की है। अगेन मतलब घर में स्पेस की कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वैनिटीज़ भी देखिए काफ़ी अच्छी लग रही है। यहाँ पे जो सनमाइका लगा हुआ यूज़ किया हुआ काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो स्टोन की बात करें, स्टोन भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का टेक्सचर्ड स्टोन है ये जो लगा हुआ है। अब चलते हैं हमारे किचन की तरफ, जो कि मेरी सबसे फेवरेट जगह है, क्योंकि वहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी डिशेस बनती हैं। हम किचन में एंटर करते ही हमें हमारे फ्रिज रखने की स्पेस मिल जाती है। यहाँ पे हम काफ़ी बड़ा फ्रिज रख सकते हैं। अगर हम इसी किचन की सीलिंग की बात करें, तो सीलिंग पे हमें काफ़ी सारी लाइट्स मिल जाती है। जो सीलिंग का डिज़ाइन है, रेक्टेंगुलर डिज़ाइन है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऊपर फ़ैन देखिए, फ़ैन भी लगा हुआ है, क्रॉम्पटन कंपनी का फ़ैन लगा हुआ है। इधर अगर हम स्पेस देखें, स्पेस हमें काफ़ी मिल जाती है यहाँ किचन में। इधर की बात करें, इधर अभी चिमनी लगनी बाकी है, आप जब लेंगे तो आपको चिमनी लगा के देंगे। इधर हमें स्पेस मिल जाती है। ये जो चीज़ें हैं डिटैचेबल, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से इसको डिटैच कर सकते हैं, बाद में अटैच भी कर सकते हैं। अगर हम किचन के साथ देखें, हमें किचन के साथ भी बैक साइड के बालकनी का एक्सेस मिल जाता है। इधर हमारा सिंक दिया हुआ है, जो अगेन जैगुआर का लगा हुआ है। इधर हमारे डिशेज रखने की स्पेस दी हुई है, आप वॉश करके इधर रख सकते हैं, इधर सूख देंगे वो। और बैक साइड देखें तो इधर हमें छोटी सी बालकनी भी दी हुई है, जो हमारे बैक साइड से कनेक्ट करती है हमें। और अगर हम इधर भी देखें, इधर हमें सॉफ्ट टच मिल जाता है, इधर हम अपने सारे यूटेंसिल्स रख सकते हैं। तो ये था इस प्रॉपर्टी का ओवरव्यू। ये 250 स्क्वायर यार्ड्स में बनी हुई है, 3 BHK प्लस एक स्टडी दिया हुआ है इस प्रॉपर्टी में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस प्रॉपर्टी के बारे में जान पाएँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आप आने वाली वीडियो मिस ना कर पाएँ। Thank you for watching. Stay tuned.